स्थाने अंतरतम वो कहता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्, यानी कि जहाँ प्रसंग हो वो सदृशतम बने, जैसे कंठ स्थान है उसका और उसका वो क्या बोलते हैं, जैसे इचुएसा नाम तालु है, तो जो आदेश होगा वह भी कैसा होगा, समान स्थान उसका होगा, तभी वो आदेशित होगा। आदेश कोई सूत्र ही नहीं होता, आदेश कोई सूत्र ही नहीं होता। हाँ वो बता रहा है ना कि ऐसा आदेश होवे अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहाँ पर अनियम की स्थिति होती है वहाँ क्या होती है, परिभाषा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया छंद को। ये पढ़ने के बाद मैं पूछता हूँ, जैसे कहते हैं कि कौन सा छंद है, मंदाक्रांता, कहाँ कहाँ यति होती है, तो यहाँ कहाँ यति होती है, यहाँ कहाँ यति होगी, इसको पढ़िए कैसे कि द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, पादांत में यति होगी, कहाँ यति होगी, यानी कि बीच में कहीं ठहरा नहीं लेना है। ठीक है, इसका ये कहाँ से है, नीति सत्कम का, ये किस प्रकरण में आया है, ये कहता क्या है कि गज मने हाथी का, भुजंग मने सर्प का, विहंग मने पक्षी का, इनका बंधन बंधन किया जाना, और आगे सच मने चंद्रमा, दिवाकर मने सूर्य, इनका ग्रहों के द्वारा पीड़न मने बांधा जाना, पीड़ित करना, मति मताम यानी कि जो मत से युक्त हैं, यानी कि विद्वानों का, दरिद्रताम विलोक्य, इनकी दरिद्रता यानी कि जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे वो कैसे होते थे, उनके पास धन वैभव नहीं होता था, और कैसे कि विधि अहो बलवान इति मे मति, विधि अहो मन कष्ट की बात है, विधि मन विधि बलवान है ऐसी। अच्छा ये बताइए, इधर विधि है इधर बलवान क्यों लिखा गया है, विधि बलवती होना चाहिए ना, बहुत सही, विधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए विधि बलवान। ठीक, ऐसे ऐसे आप पकड़ेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। एक ही श्लोक पढ़िए एक दिन में, लेकिन ऐसा पढ़ जाइए कि फिर पढ़ने की जरूरत न पड़े। और इसके पहले जो था इधर वंशस्थ, उसने कहाँ यति होती है, वो भी पादांत यति वाला है। ठीक है, आइए अब हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 8 का नियम देखते हैं। 7 के नियम तक कोई किसी को समस्या कुछ कहीं, वो एकदम बन गया था सबसे। चलिए अब नियम 8 को एक बार देखिए, कहते हैं कि अभ्यास 8 का लिखे हैं हरि ही अर्थात विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह और बंदर। हरि के कितने अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ केवल 5 बताए हैं लेकिन होते अनेक अर्थ हैं। कवि मने कवि, यति मने सन्यासी, भूपति मने राजा, सेनापति मने सेनापति, प्रजापति मने प्रजापति अथवा ब्रह्मा, प्रजाम पाति रक्षति इति प्रजापति, यानी कि प्रजाओं की जो पालन करे रक्षा करे वह प्रजापति है।
रवि मने सूर्य, कपि मने बंदर, मुनि मने मुनि, अग्नि मने आग, गिरी मने मरीचि मने किरण, मेघा मने बादल, दंडा मने डंडा, कंदुका मने गेंद, दह मने जलाना, ज्वल मने देखिए, दह मने जलाना, ज्वल मने जलना, जैसे पढ़ना और पढ़ाना, ज्वल मने जलना, दह मने जलाना, तप मने तपना या तपस्या करना, चर मने चलना या घूमना, वृष मने बरसना, गई मने गाना। फिर उसके बाद ग बता रहे हैं, सह साकम सार्धम समम, चारों का अर्थ है साथ। ठीक, अब सूचना क बता रहे हैं, हरि से मरीचि तक हरिवत रूप चलेगा, कैसे चलेगा हरिवत, मेघ से कंदुक तक रामवत चलेगा, कैसे रामवत, दह से गई तक कैसे चलेगा भवतिवत। ठीक, अब व्याकरण में बता रहे हैं कि हरि शब्द का रूप लंग लकार और तृतीया व्यक्ति। ठीक, हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द रूप संख्या दो, एक बार खोल लीजिए शब्द रूप संख्या दो, हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरयोः हरिणाम, हरौ हरयोः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। अच्छा, ये तो मान लीजिए जो याद करने का सामान्य सा नियम है वो यही है, लेकिन जो एक एक वचन का हरि ही हरिम हरिड़ा हरये, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये परीक्षा में आपको समय की बचत करा देगा, उसको भी अगर कर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन ऐसे तो याद ही करिए कम से कम। ठीक, आगे देखिए, संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप बनाओ, कवि आदि के भी रूप हरि की तरह चलेंगे, सभी ईकारांत पुल्लिंग शब्द हरिवत, नियम नंबर 16 इन शब्दों में लगेगा, जैसे हरि है रकार है इसमें हरि में, इधर देखिए हरि है इसमें र है, तो नियम नंबर 16 का क्या रहा है कि र या श के बाद न को र हो जाए, रसाभ्याम नोड़ समान पदे, तो हरि राम या हरिणा तृतीया में, ये है ये न के स्थान पर र हुआ है। तृतीय व्यक्ति का क्या सुप प्रत्यय है, टा को क्या होता है आदेश, चलिए अभी यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आएगा वहाँ बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे रवि गिरि, जैसे हरिणा हरिणाम। ठीक, अब नियम नंबर 22 में बताते हैं, पति समास एव, यानी पति इस शब्द के साथ समास एव माने समास होवे, और फिर क्या हो जाए, पति शब्द किसी शब्द के अंत में होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा, पति का रूप कैसे चलेगा, आगे और लेकिन, जैसे पत्या तृतीया में है, अगर ये समास हो करके, जैसे भूपति आ गया, ये तब हरि की तरह चलेगा, लेकिन तृतीया में क्या बन जाएगा, भूपतिना, क्यों भूपतिना हो गया, क्यों रा नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले रा ऐसा है ही नहीं है, इसलिए भूपतिना बन गया। ठीक, लेकिन पति शब्द में तृतीया चतुर्थी में क्या बनेगा,
पत्ते होगा कि पत्ते होगा? ये सही है। इसका एक प्रयोग आया है कहीं, पत्ते से से, ठीक आएगा कारक में। शब्द ऐसे होने चाहिए कि दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये कहाँ आया है, तब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो अगर पति का पत समास होकर के आएगा तो भूपतिना रूप चलेगा, ठीक है, यानी कि हरिवत चलेगा। फिर आगे चलते हैं, धातु रूप, भू धातु का लंग लकार, अभवत, अभवताम, अभवन, इसमें तीनों में हलंत है लास्ट में, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवम, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसमें उत्तम पुरुष एक वचन में ये पूछा गया था। बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि इसमें हलंत रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ कहाँ इसमें हलंत है, जैसे मान लीजिए एक ये है, कहाँ कहाँ है, इन तीनों में, इसमें, ठीक। फिर आगे चलते हैं, सूचना लंग में धातु से पहले अ लगेगा, बाद में संक्षिप्त रूप, जैसे अपठत, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो आ लगेगा और वृद्धि हुई होगी, जैसे ईश, ईश धातु है, इसका क्या चलेगा, ऐच्छत रूप चलेगा। इसी प्रकार से अगला क्या है, आगम, आंग लग गया तो क्या लगा, चल गया आगच्छत, ठीक। उसी प्रकार अस धातु है तो आसीत, यहाँ हाँ तो आंग उत्सर्ग पूर्वक गम धातु लगा ना, उपसर्ग लग गया है इसलिए हो गया है, ये अपनी ओर आने के अर्थ में है, ठीक है। फिर करते हैं कि कारक तृतीया या करण कारक, नियम नंबर 23, साधकतम करणम, साधकतमम करणम। करण किसको कहते हैं, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, कारक होता है, करण होता है ना। मान लीजिए मैं या राम रावण को बाण से मारता है, तो यहाँ तो उसका हाथ भी करण है, बाण भी करण है, तब किसको मानेंगे, उसमें कहा गया है प्रकृष्टोपकारकम, जो प्रकृष्ट, जो सबसे प्रकृष्टतम उपकारक है, ठीक है, उसी की करण संज्ञा होती है। कहते हैं कि क्रिया की सिद्धि में, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा उपकारक हो, यानी कि इधर हाथ से जब बाण मारे, जब बाण जाकर के रावण को लगा तभी वो मरा, उसके पहले नहीं मरा था, उनका हाथ तो कब से उनके पास था, लेकिन जब बाण लगा तभी वो मरा, इसलिए बाण सबसे ज्यादा उपकारक होगा या करण संज्ञा उसकी हो जाएगी। हाँ पेन नहीं होगी तो नहीं लिखा जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृ माने कर्ता, में करणयोः यानी कि करण में, कर्ता और करण में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया, करण में तृतीया होती है, और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। करण में तृतीया, कर्म में ये कर्ता लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखा रहा है,
कर्ता कर्म कारक में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, ये भी तृतीया में चला जाएगा। ठीक, यानी कि कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन करण में सामान्य रूप से तृतीया होती है। ठीक, लेकिन जब भाववाच्य या इसमें परिवर्तन, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देंगे, तब ये किस में चला जाएगा? यहाँ तो कह रहे हैं कर्त करण और तृतीया, और वहां क्या कहे हैं? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। वहां उसके पहले थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ेंगे, उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। तो ये उक्त माने जब ये उक्त हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? उक्त माने प्रधान, बताया था ना, प्रधान गांव का पहला मुखिया होता है, इसलिए कौन सी व्यक्ति होगी उसमें? प्रथमा। और यही मान लीजिए प्रधानी हार गया, तब कहाँ चला जाएगा? तृतीया में, यानी कि अनुक्त होकर के तृतीया में चला जाएगा। ये जब अभी आएगा प्रकरण आगे रचनानुवाद में ही, तब वहां विशेष रूप से बताएंगे हम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कंदुकेन क्रीडति, कंदुक माने गेंद से, क्रीडति माने खेलता है, यानी गेंद उसका सबसे उपकारक है, उसी से खेल रहा है, तो कौन सा कारण हुआ? करण कारक हुआ। दंडेन चलति, दंडे के द्वारा चलता है, तो दंडा उसका सबसे ज्यादा क्या हुआ? उपकारक सहायक हुआ। रामेण गृहम गम्यते, रामेण माने राम के द्वारा, गृहम माने घर को, गम्यते माने जाया जाता है, तो राम ये कहाँ चला गया? तृतीया में अनुक्त हुआ। ठीक है, रामेण भूयते, राम के द्वारा हुआ जाता है या राम है ऐसा। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, अब प्रधाने ऐसा नहीं कहेंगे, संधि है, सहयुक्ते प्रधाने। सह साकम सार्धम समम, साथ अर्थ में, यानी कि के साथ तृतीया होती है, यानी कि जहाँ साथ की बात आए, सह साकम सार्धम समम, ये चारों पर्याय हैं, इधर ऊपर बताए हैं ना, गा जहाँ लिखा गया है, सह साकम सार्धम समम, चारों का अर्थ है साथ में, जैसे इनके साथ क्या होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे जनकेन सह साकम सार्धम समम व गृहम गच्छति, पिता के साथ वह घर जाता है। तो यहाँ गमन की क्रिया का मुख्य कर्ता कौन है? जनक है, चिंतन करिएगा। वो प्रकरण आएगा जो आप बताना चाह रही हैं, वो आगे आएगा कारक में। ठीक है, रामेण सह वनम गतवती सीता, ये उद्धरण आएगा कारक में। राम के साथ बन गई कौन? सीता। गतवती, रामह गतवान नहीं, रामह, रामेण सह वनम गतवती सीता। आप समझ में आ गया कौन है? ठीक, उसी प्रकार यहाँ पुत्र। फिर आगे देखते हैं, इत्थम भूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति होती। जैसे वह जटाओं से सन्यासी लगता है, सह जटाभिः तापसः, यानी कि उसकी जटाओं को देख करके ऐसा लगता है कि वह सन्यासी है। जैसे जटाभिः यति ही, जटाओं से सन्यासी ज्ञात होता है। फिर उसके बाद आता है हेतु, कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययनेन वसति, यहाँ वास क्रिया का कारण क्या है? अध्ययन, अध्ययन के कारण ही वहाँ रहता है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ? करण कारक और तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। इसमें आता है हेतु अर्थे तृतीया, शाद्रव्यादि साधारणम, निर्व्यापार साधारणम, करत्वम च हेतुत्वम च करणत्वम, क्रिया मात्र विषयम, व्यापार नियतम, घटो दंडेन घटो पुण्यन दृष्टो हरि, ऐसा करके वो आगे आएगा। बहुत दिन हो गया पढ़े, भूल भाल जा रहा है।
ठीक है, तो आज का रचनानुवाद का यही समापन होता है, कल से फिर देखेंगे इसका अभ्यास बनाओ वाला भाग। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नियम नंबर, अरे ये तो भूल गए, एक बार फिर से पीछे वाला नियम रिवाइज करना था, पढ़ के आए आप लोग? चलिए ठीक है, अपने से कर लीजिएगा एक बार पीछे, यानी कि अभ्यास साथ के जो नियम, यानी कि भविष्यसि गमिष्यसि हसिष्यसि, ये वाला आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है सर।